गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिस्ट्री में जो हमने बेसिक बातें किया थे, जिसमें हमने बात किया सब मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, स्टेट कन्वर्जन क्या होती है, और प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो इस बेसिक में हम थोड़ा सा और ऐड अप करने जा रहे हैं, थोड़ा सा और बेसिक पार्ट को हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को आज भी डिटेल में बात करेंगे। उस भी छोटे पॉइंट पे जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन आती है, जहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उस सारे चीज़ों के बारे में आज हम आप लोगों के सामने उसे क्लियर करने जा रहे हैं। क्लियर मतलब यानी कि पूरी तरीके से क्लियर करने जा रहे हैं। हम आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करें हम। सबसे पहले मेरे पास हमने जो कम पॉइंट छोड़ के रखा था वो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे था। आज हम बात कर रहे हैं एटम्स के बारे में, जहां पर हमने डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये बातें पढ़ा था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडिविजुअल। बट ये सही है कि हम एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसके भी वो भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो हम ऐसा इस तरीके से डिफाइंड करना सही नहीं मानते। डॉक्टर्स ने बोले थे कि एक छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जिसे इंडिविजुअल है। बस समय के अनुसार से हमने क्या क्या एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी मुझे मिले। इस कारण से बाद में हमने इसकी डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजिंग मार दिया। हम कहते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can participate in chemical reaction. मेरे अनुसार से सोचा जाए तो एटम एक केमिस्ट्री का छोटा बच्चा है, एटम केमिस्ट्री का एक छोटा बच्चा है जो क्या कहता है कि सबसे ज्यादा बदमाशी करता है। तुम्हें पता होगा घर के जो सबसे छोटे बच्चे हैं सबसे ज्यादा बदमाशी उन्हीं का होता है, और साथ में जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो कभी फ्री नहीं रहते। जब वो घर से निकला उसके पीछे पीछे उसके गार्जियन, उसके भाई, उसके बहन उसके साथ साथ चलता है। उसी तरीके से मेरे पास एटम जो है वो भी कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फ्री एग्जिस्ट तो नहीं करता बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर एटम जो है एक सबसे छोटा पार्टिकल तो है बट वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी जो दूसरी पॉइंट है, हम वो पॉइंट ये लिखते हैं कि एटम कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना। एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कभी भी क्या होगा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेले एग्जिस्ट नहीं करोगे। अब ये तुम्हें पता होगा कि जैसे H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके एग्जिस्ट करते हैं, O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के एग्जिस्ट करता नेचर में। ऐसा है मेरे पास N2 I2 Br2 HCl, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें HCl, ये भी आपस में क्या होते हैं जुड़ करके रहते हैं। बट सर हमने तो ऐसा भी तो देखा ना कि Fe आयरन, कॉपर, टीन, सोडियम, ये सब तो एक एक एटम में था, ये तो फ्री एग्जिस्ट कर रहा था सर।
बट थोड़ा थोड़ा वेट करें, है ना। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास आयरन कहने का मतलब तुम क्या समझते हो कि आयरन ब्लॉक, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट, आयरन का कोई रड, इस तरीके से हम समझते हैं। अगर मान लो हम एक आयरन सॉलिड लिखते हैं कि आयरन सॉलिड प्रेजेंट है, हम एक आयरन पार्टिकल की बात नहीं कर रहे होते, हम आयरन एलिमेंट की बातें कर रहे होते हैं जिसमें कई गुना पार्टिकल, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल उसमें है, वो आपस में मिल करके एक आयरन सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है ना। तो आयरन एक सिंगम पार्टिकल नहीं है, आयरन एक सिंगम पार्टिकल नहीं है, आयरन एक ब्लॉक की बात करते हैं। मान लो हमने एक ब्लॉक की बात किया इस तरीके से, अब बताओ क्या इस ब्लॉक में आयरन की एक पार्टिकल है? नहीं, आयरन कई एटम्स होते हैं जो अपने ही जैसे एटम से आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। हम उस एलिमेंट को अंदर बहुत सारा आयरन पार्टिकल रखते हैं ना, तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं और ये सब एक साथ आते हैं। इसलिए कभी भी अगर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर इस तरीके का सिंबल कहीं भी लिखा मिले तो तुम ये मत समझ जाना कि ये एक एटम है, ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। और हम ये जो गैसियस पार्टिकल होती है इसके बारे में हम डिटेल जब पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में तो बताएंगे कि गैस कभी भी, मतलब गैस को जब भी देखा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखा जाता है, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं देखा जाता। अगर इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, है ना, अगर इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो मुझे क्या होते हैं O2, H2, CM2, HCl ऐसे लिखा जाता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये एटम्स के बारे में मुझे पता चला। अब इस एटम के बारे में जब हमने मुझे जानकारी मिल गया तो हम इसी में से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ एटम, किसकी बात करें? सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम की बात करें। एटम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होते हैं, एक्स ऊपर ए नीचे जेड, इसे क्या पढ़ते हैं? ए टू जेड। नहीं, एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये लिखने का मेरा तरीका होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ए फोर जो होता है इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और जो जेड होता है इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो आप ये बेसिक क्लासेस पढ़े हुए होंगे, ये सारी चीजों के बारे में जानते होंगे। आप पेशेंस बना कर रखें और आप धीरे धीरे इस चीजों को देखते रहें। जब आप धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपकी बातें रिविजन होगी। और जिन्होंने पहली बार भी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट ही किया, बल्कि ये क्लास 9th का बच्चा देख रहा हो, 10th का बच्चा देख रहा हो, या 11th या 12th इवन 12th पास का भी बच्चा अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो उसे भी ये बेनिफिट ही करेगा, ये एक बेसिक पार्ट है ना। तो इवन ये सबके लिए काम आएगी। बात आती है सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एक सिंपल सा टर्म मुझे है कि कोई भी एटम के अंदर, कोई भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पार्ट होती है। इस न्यूक्लियर पार्ट में दो पार्टिकल रहती है, दो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर का पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर मारते रहता है। तो ये बाहर का पार्ट में जो यहां पे इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है, है ना, इसे देखो हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पार्ट। और इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, जिसमें कई पार्ट होते हैं। ऑर्बिट होता है जिसको सेल भी कहा जाता है, और सब सेल भी होते हैं और इसके अंदर ऑर्बिटम्स भी होती है। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या आते हैं? ऑर्बिट जिसको सेल भी बोला जाता है, फिर ऑर्बिटम्स, सब सेल या ऑर्बिटम, इसके बारे में हम लोग क्वांटम नंबर या एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी डिटेल में बातें करेंगे। अभी हम एक बेसिक पे बातें कर रहे हैं, है ना। तो जब बेसिक में बातें करें तो एक न्यूक्लियर पार्ट है और दूसरा मेरे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। जो न्यूक्लियर पार्ट होते हैं इसमें दो पार्टिकल होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, प्रोटॉन और क्या कहा जाता है इसे, न्यूट्रॉन। ये और इसमें जो होता है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं उसमें भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करती रहती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहती है और यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है। तो मेरे पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या आते हैं मेरे पास, जो एटम के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। एटम के अंदर जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मेरे पास क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर रहे हैं अभी कुछ समय के बाद। अभी हम वो बात करें सर एटॉमिक नंबर का, क्या बात करें, एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि देखो हमारे पास जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवर होना शुरू हुआ, पहले मेरे पास दो चार एलिमेंट डिस्कवर हुआ, 200 साल 300 साल पहले बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर थे, तो लोग एटम को आसान से पहचान जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आया एलिमेंट का डिस्कवर होता गया, एलिमेंट का डिस्कवर होता गया, और एलिमेंट क्या बताए थे, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके पास डिफरेंट एटम प्रेजेंट होगी और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, ऐसा डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने बताया था। अब अगर मान लो कि मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसमें डिफरेंट टाइप का एटम प्रेजेंट था, अब मेरे पास टोटल 180 एलिमेंट अभी मेरे पीरियोडिक टेबल्स में है, फ्यूचर में और भी ये बढ़ सकता है। तो जब सोचो कि मेरे पास 118 एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है तो उसमें सभी एलिमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट होंगे, क्या उस एटम को पहचानने के लिए हमें किसी नंबर की जरूरत पड़ेगी। हमने देखा है अगर तुम अपने क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूलिंग जब होती थी तो स्कूल में तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हारे एक रॉन्ग नंबर दिया जाता था, उस रॉन्ग नंबर से अपने आप को क्या कहते थे कि हमारे स्कूल वाले मुझे पहचानते थे। वैसा ही मुझे क्या होता है कि जब अगर हम किसी जगह जाते हैं, मतलब एक सिंपल सी बात करो, जब कोई कैदी होता है वो जब जेल जाता है तो उसके कैदी नंबर दिए जाते हैं, है ना। तो एक कैदी नंबर, जेल नंबर, या तुमने स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा उसके पीठ पे एक बड़ा सा नंबर लिखा रहता है, वो नंबर उसकी क्या होती है, एक पहचान, जर्सी नंबर होती है जो जिसे क्या की जाती है, पहचान की जाती है। वैसे ही मेरे पास इतने डिफरेंट एटम्स है, उस डिफरेंट एटम्स को पहचानने के लिए मुझे एक नंबर का रिक्वायरमेंट हुआ, उस नंबर की रिक्वायरमेंट को हमने बोला एटॉमिक नंबर। क्या बोला, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसे ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया क्या कहे, एक न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा सर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो कुछ एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट याद रखोगे, कम से कम 1 से लेकर 30 तक। तो हम इसे लिख देते हैं, वन में हाइड्रोजन, इसको एच से डोनेट करते हैं, 2 में हीलियम है, इसको एच ई से डोनेट करते हैं, 3 में लिथियम है, इसको एन आई से डिनोट करते हैं, 4 में बेरियम है,
जिसको बीई से डिनोट कहते हैं। फाई में बोरॉन है जिसमें बी से डिनोट कहते हैं। सिक्स में कार्बन है जिसको सी से डिनोट कहते हैं। सेवन में नाइट्रोजन है, इसे एन से डिनोट कहते हैं। एट में ऑक्सीजन है, इसको ओ से डिनोट कहते हैं। नाइन में फ्लोरीन है, इसको एफ से डिनोट कहते हैं। टेन में क्लोरीन है जिसको सीएम के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम इधर लिख लेते हैं टेन। इलेवन में सोडियम है, इसको एन ए से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका नाम जो होता है ग्रीक वर्ड में नाइट्रियम होता है, एन ए टी आर आई यू एम, इसमें से नाइट्रियम बोला जाता है। पोटासियम है इलेवन। ट्वेल्व में मैग्नीशियम, इसको एम जी से लिखते हैं। थर्टीन में एल्यूमिनियम है, इसको ए एम से डिनोट करते हैं। फोर्टीन में सिलिकॉन है, इसको एस आई से लिखते हैं। फिफ्टीन में फॉस्फोरस है, फिफ्टीन में फॉस्फोरस इसे पी से लिखते हैं। सिक्सटीन में सल्फर एस से लिखते हैं। सेवनटीन क्लोरीन सी एम से लिखा जाता है। एटीन आर्गन ए आर से लिखते हैं इसको। नाइनटीन में पोटासियम है, इसको के से डिनोट करते हैं। ट्वेंटी में कैल्शियम है, इसको सी ए से डिनोट करते हैं। फिर ट्वेंटी वन में स्कैंडियम है, एस सी से डिनोट किया जाता है। ट्वेंटी टू में टाइटेनियम है, इसे टी आई से डिनोट कहते हैं। 23 में वैनेडियम है, जिसको भी से डिनोट कहते हैं। 24 में क्रोमियम है, जिसको सी आर से डिनोट करते हैं। 25 में मैंगनीज है, इसको एम एन से लिखते हैं। 26 में आयरन, इसका क्या नाम है फेरस, इसमें इसको एफ से दिखाते हैं। 27 में कोवांट है, इसमें इसके सी ओ से लिखते हैं। 28 में निकम है, इसको एन आई से लिखते हैं। 29 कॉपर, कॉपर का नाम क्यूप्रम था, इसमें इसको सी यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां से क्या हो गया सी यू। और 30 में जिंक है, जिसे हम लोग जेडन समझते हैं। तो ये 30 एटॉमिक नंबर तक तो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, है ना, आपको 30 एटॉमिक नंबर तक हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। जैसे भी याद हो आपको क्या करना होगा, 1 से 30 तक याद करने होंगे। इसके अलावा कुछ और भी मेरे पास सेगमेंट है जिसकी जिसकी एटॉमिक नंबर को आप याद रख सकते हो। जैसे क्या क्या होगा उसके बाद देखो, जो तुम्हारे जरूरत की चीजें हैं, जो ज्यादा जरूरत आते हैं हम उसकी याद करते हैं, तो आपको 1 से 30 तक तो याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको और भी चीजें याद होनी चाहिए, जैसे मेरे पास एजी अर्जेंटम है ना, 47 में सिल्वर, सिल्वर को एजी समझाया था अर्जेंटम,
79 याद रखो, जिसमें तुम्हारा क्या है गोंड ऑरम, ऑरम या इसी को गोंड कह देते हो, इसको एयू से लिखा जाता है। 80 याद रखो मरकरी, जिसे हाइड्राजिरम भी कहा जाता है एचजी, है ना, ये याद रखें। 82 में याद रखें पीवी पंगम्बम, जिसे हम क्या बोलते हैं नीड, है ना, क्या बोलते हैं उसे नीड या उसे पंगम्बम बोलते हैं पीवी। 92 याद रखें यूरेनियम, यूरेनियम यू, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा, है ना, आपको क्या करना होगा याद रखना होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ये सारी इनर्ट गैसें इसको याद रख सकते हो। अब ये एलिमेंट को, मतलब ये जो मेरे पास आए हैं, इसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो हमने इसे एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या किया, क्लासिफाइड, मतलब क्लासिफाइड नहीं, इसको एटॉमिक नंबर लिखे। एटॉमिक नंबर क्या होता था, ये चीजें आपको अच्छी सी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, ये जो एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट हमने लिखा, इस एलिमेंट्स को हम थ्री कैटेगरी में बांटते हैं, जिसे हम धीरे धीरे आगे और भी सीखेंगे, जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे उस तरीके से बांटेंगे। तो हम अभी थ्री कैटेगरी में क्या बांटते हैं, इस एलिमेंट्स को हम थ्री कैटेगरी में बांटते हैं। एक मेरे पास होता है मेटल्स, एक क्या होता है मेरा मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरा होता है, चलो चार में बांट देते हैं, एक होता है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, और एक होता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कह दो या इनर्ट एलिमेंट कह दो। ये हमने इसे चार कैटेगरी में बांटा। अब हमारे पीरियोडिक टेबल से देखा जाए तो मेरे पास इनर्ट एलिमेंट कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो है मेरे पास क्या है इनर्ट एलिमेंट्स। इसके अलावा मेरे पास मेटलॉइड्स की बात किया जाए तो मेटलॉइड्स में, अच्छा इनर्ट किसको कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स उस एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके पास रिएक्शन करने की कैपेसिटी निगली जीवा होता। कहा जाता है कि ये एटम बहुत ही स्टेबल होती है, और ज्यादा स्टेबल होने के कारण से, मोस्ट स्टेबल होने के कारण से वो आगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसा सोचो कि अगर तूने क्या किया अपनी लाइफ में, जहां पर स्टेबिलिटी, जो अपने गोल को फिक्स किया कि हमेशा लाइफ में इस जगह पर पहुंच जानी है, अगर तुम वहां पहुंच जाओगे तो क्या तेरी पढ़ाई उतनी जारी रहेगी जिस सीरियसनेस वे में अभी पढ़ाई होती है। वो एक मेरा अस्टेबल जोन होगा, और जब हम उस अस्टेबल जोन पे पहुंच जाएंगे तो मेरी पढ़ाई उतनी सीरियसनेस नहीं होगी। वही मेरे पास इनर्ट एलिमेंट होता है। इनर्ट एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके ऑक्टेट पूरा हो जाते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जिस एलिमेंट के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है उसे ऑक्टेट बोलते हैं, और वो केमिकल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मेरे पास क्या होगा, एक हीलियम को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ के जितने भी इनर्ट एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, और जब वो एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसको याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं इसे ट्रिक वाइज भी याद रखते, देखो किस तरीके से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन को ट्रिक वाइज याद रखते, हे नारायण, हे नारायण, अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, हे नारायण, अर्जुन करे जेरोक्स रामायण,
इस तरीके से हमें याद रखते हैं। अच्छा बताओ, अर्जुन कहाँ थे? महाभारत में, और जीरोक्स किसकी कर रहे हैं? रामायण का। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ये मेरे पास इनर्ट गैस याद करने का एक तरीका होता है ना। हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण, क्या होगा? हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनर्ट गैस को याद रखते हैं। हे से हीलियम, एन से नियॉन, ए आर से आर्गन, के आर से हे नारायण अर्जुन, ए आर से हो गया आर्गन, के आर से क्रिप्टन, उसके बाद एक्स से जनॉन है ना, और आर एन से रेडॉन। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेटोमर्स, मेटोमर्स में कौन कौन आता है? बोरॉन, बोरॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी है ना, क्या होगा? बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेंगोरियम है ना। उसके बाद होता है एक पोंगोनियम, पोंगोनियम हो गया, इसको याद रखोगे। मेटोमर्स उस एलिमेंट को कहते हैं जिस एलिमेंट में मेटम और नॉन मेटम दोनों की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है? मेटोमर्स वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जिसमें मेटम और नॉन मेटम दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे मेटोमर्स कहते हैं। तो मेटोमर्स में कौन कौन आते हैं? बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम एसबी, मतलब जर्मेनियम, उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद एसबी, फिर टेंगोरियम और फिर पोंगोनियम। तो ये मेरे पास क्या होंगे, मेटोमर्स होंगे। तो इसको किस तरीके से याद करते हैं, देखो इस तरीके से याद रखते हैं। क्या है? बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमरी टेंगोरियम और पोंगोनियम है ना। क्या क्या है? बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेंगोरियम और पोंगोनियम, ये सारे के सारे मेटोमर्स। इसे याद कैसे रखते हैं, इस तरीके से। बसी जी, बसी जी ईश्वरिया सबसे टैलेंटेड पायलट है अपने मन से। तो क्या हो जाएगा, बसी जी ऐश्वर्या सबसे टैलेंटेड पायलट है ना। ऐश्वर्या क्या है? सबसे टैलेंटेड पायलट है। तो ये याद होगा, बसी जी ऐश्वर्या सबसे टैलेंटेड पायलट है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास मेटोमर्स याद करने की ट्रिक होंगे। तो हम एटम्स को या एलिमेंट्स को चार कैटेगरी में बांटे, मेटोमर्स इनर्ट गैस के बारे में हमने बातें की। इसके अलावा मेरे पास नॉन मेटम्स, नॉन मेटल्स जिसमें आते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना। यहाँ पे फिर आता सल्फर सेमोनियम नाइट्रोजन फास्फोरस है ना। ये सारे जो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टैटिन भी रख सकते हो ऐसे। तो ये सब के सब नॉन मेटम्स, बाकी जो रेस्ट बचा, बाकी जो रेस्ट बचा वो सब मेटम्स है ना। क्या है वो? मेटम्स। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएंगे, सब के सब आगे मेटम्स आ जाएंगे। तो ये तेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, रेस्ट आर मेटम, रेस्ट आर मेटम, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब क्या है, मेटम्स। तो आपको याद होनी चाहिए कि सर सबसे पहले इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा एलिमेंट है, एटम है, बट रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अस्टेबल है। तो कौन कौन था? हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण।
उसके बाद हमने कहा मेटामर्स, मेटामर्स वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जिसके पास मेटम और नॉन मेटम दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे मेटामर्स कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं हमने ट्रिक से याद करवाया, बसीजी ऐश्वर्या सबसे टैलेंटेड पायलट है, बसीजी ऐश्वर्या सबसे टैलेंटेड पायलट है, बोरॉन, सिंकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेमोरियम और पोंगोनियम, ये मेरे पास क्या है इस मेटामर्स को याद करने का ट्रिक है। इसके अलावा मेरे पास क्या है सर नॉन मेटम से, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सेमोनियम, एस्टैटिन, ये एस्टैटिन भी यहाँ पर ऐड करोगे 80, तो ये तेरे पास सबके सब क्या है नॉन मेटम्स है, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है वो सबका सब मेटम्स, वो सबका सब मेटम्स। तो हमने यहाँ तक बात किया एटॉमिक नंबर तक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास नंबर। नेक्स्ट हम बात करें एटॉमिक मास नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर क्या होता है आपको पता होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको बताएंगे सर कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मास होती है वो उसके सेंटर पे डिपेंड करता है। जैसे हम इसे समझाने की कोशिश करें, जैसे देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमें अगर इसे बैलेंस करना है, अभी यहां पर देखो हम अगर इसको यहां से पकड़े तो ये कहां जा रहा है नीचे जा रहा है, हम अगर इसके ऊपर से पकड़े तो भी ये नीचे आ रहा है, लेकिन हम अगर इसको बीच से पकड़ने तो देखो कहां जा रहा है ये बीचों बीच जा रहा है ना, जब ये बेंड यहां पर क्या है बेंटर, अगर हम इसके छोड़ के बॉन्ड छोड़ के इसे पकड़े तो देखो कहां जा रहा है ये नीचे जा रहा है, अगर इसके हम पकड़ के यहां पकड़े देखो ये कहां जा रहा है नीचे जा रहा है। तो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट का मास उसके एक सेंटर पर डिपेंड करता है। जैसे यहां पर हमने देखो यहां पकड़े हुए, यहां पर क्या हो रहा है कि पूरी ऑब्जेक्ट का मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन जैसे हम इसको आगे बढ़ने की कोशिश करें ये क्या होने लगेगा धीरे धीरे देखो ये नीचे जा रहा है, अगर और इधर आके पकड़े तो ये देखो पलट गया, अब इसका सेंटर कहीं और बन रही है। तो जैसे जैसे ये क्या होता है ये हमारे पास सेंटर पर हमारे जहां पर क्या होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट होता है, उसे सेंटर ऑफ मास फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। हम बस उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बातें कर रहे हैं कि कोई भी एटम में, अगर एटम भी एक ऑब्जेक्ट है, एटम भी एक सब्सटेंस है, किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, तो इस एटम का जो सबसे सेंटर का पार्ट है वो सेंटर का पार्ट कौन होगा इसका न्यूक्लियर पार्ट, ये जो न्यूक्लियर पार्ट है ये एक सेंट्रम पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट जो है वो एक क्या है तुम्हारा सेंट्रम पार्ट है, और ये जो सेंट्रम पार्ट है इसमें पूरी की पूरी मास कॉन्सेंट्रेट होती है ना। तो हमें क्या होता है कि किसी भी सेंटर के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होती है उसे एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंट है, हम दोनों के ऊपर बातें करेंगे। हम अभी जो बातें कर रहे हैं वो एटॉमिक मास नंबर पे बातें कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि सर एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है उसको सम करके जो आते हैं उसे बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो हम यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सबसे छोटा पॉइंट होता है जहां पर उसकी पूरी की पूरी मास कॉन्सेंट्रेट होती है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एटम क्या है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी
अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको COM शॉर्ट से लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, क्या होता है मास ऑफ एटम जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि सारे के सारे मास वहीं पे होंगे, पूरी बॉडी की सेंटर उसी जगह पर है, तो हम जो फिजिक्स की सेंटर ऑफ मास की बातें कर रहे होते हैं उस सेंटर ऑफ मास में हमारा जो एटम का न्यूक्लियस है वो उसका काम करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल प्रेजेंट होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बताओ न्यूक्लियस में क्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो दोनों पार्टिकल ही मेरे मास नंबर कहलाएंगे। जैसे अगर तू सोचो मेरे पास क्या है कि अभी इसमें चार एटम, एक दो तीन चार, चार कार्बन एटम, अगर इसकी पूरी मास मुझे निकालने हैं तो हर एक एटम को मास, अगर मान लो एक एटम का मास 10 ग्राम है तो 10 20 30 40 ये 40 ग्राम का होगा, तो हमने क्या किया कि सर अभी क्या है कि 10 ग्राम बांगा चार है, 10 ग्राम बांगे चार, चार ये जो बंगा एक दिख रहा है ना, ये मेरे पास ये सेंटर में प्रेजेंट है और हम इसको कह रहे हैं कि मास है, एग्जैक्ट ऐसा सोचना है। तो सोचो चार मेरे पास बॉन्ग है तो हम कहेंगे कि इस एटम की मास जो है ये चार इस बॉन्ग के मास के बराबर है, तो ये नंबर है, ये एक क्या है नंबर है, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है टोटल सम ऑफ, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है उसका सम को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। तो देखो देखो हमने बात किया था एक्स ए जेड इस तरीके से दिखाया था, ए मेरा क्या था एटॉमिक मास नंबर था, तो ये जो ए है ये किसके बराबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, ये आ गया। और ये जो जेड है, जेड हमने क्या डिफाइन किया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, किसके बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, तो जेड इज कम टू पी। और तुम देखोगे तो अगर मुझे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो ए बराबर पी प्लस एन और जेड बराबर यहां पर क्या हो गया टी, तो अगर ए बराबर पी प्लस एन है P के जगह पर अगर जेड रख दें तो बताओ A बराबर जेड प्लस एन हो सकता है, हो जाएगा ना। अगर इस जेड को इधर लेकर के आते हैं तो A माइनस जेड, A माइनस जेड इज कम टू यहां पर क्या आ सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जब तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर बताएगा तो एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। जैसे हम इस सिंबल का यूज करके कुछ पता करते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। इस नंबर को पता करके कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास हाइड्रोजन, इसका नाम 1H1 होता है, अब 1H1 होता है या इस क्वेश्चन 1H1 होता है, ये इसका मास नंबर है और ये इसका एटॉमिक नंबर है,
अब इसमें कोई कहे कि बताओ कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन निकाल सकते हो जितना एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का डिफाइन किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वह एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अच्छा यहां पर देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, 1-1। देखो ए माइनस जेड, तो ए ऊपर बांगा है जेड नीचे बांगा है, तो 1-1 इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होती है। जो हार्डवेयर मेरे पास है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाँ हम इसका आइसोटोप्स आगे पढ़ेंगे जिसमें हार्डवेयर के कुछ आइसोटोप्स हैं जिसके पास न्यूट्रॉन होती है, बट जो हम हाइड्रोजन जनरली यूज में आते हैं उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। आगे हम बात करें, दो में मेरा हीलियम है 2H4, ये इसका क्या हो गया ए, ए फोर क्या पढ़े थे एटॉमिक मास नंबर, और ये इसका क्या हो गया जेड। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 2, इसमें प्रोटॉन कितना हो गया 2, और न्यूट्रॉन कितना हो गया सर 4-2 कितना आ गया 2। चलो ऐसे ही हम और भी बात करें, जब मेरे पास मानो एक Hg मरकरी है, मरकरी मेरे पास कितना में है 80 में, और इसके मास कितने होते हैं 200 होता है, इसका मास कितना होता है 200 होता है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि इसके पास ये तो हो गया A एटॉमिक मास नंबर, और ये हो गया एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं जेड। अब बताओ अगर इसमें हमें पूछे कि बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, तो जितना इसकी एटॉमिक नंबर है, तो जितना इसकी एटॉमिक नंबर है वो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कहा जाएगा। तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना है इसका 80, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया इसका 80। और बताओ इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया ए माइनस जेड, तो कितना रहेगा 200-80 कितना आ गया ये 120। आगे सुन में 200-80 कितना गया 120, यहां तक कोई दिक्कत। अगर और भी एग्जांपल लेने होंगे तो यूरेनियम 90, यूरेनियम कितना 90 है ना, और उसके मास होता है 292, या इसको छोड़ो यूरेनियम 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 का मास कितना होता है 92 में, छोड़ो। देखो यहां पर क्या हो गया तुम्हारा मरकरी, मरकरी के बाद देख लेते हैं हम लोग सिंबर है ना, सिंबर देख लेते हैं एजी, एजी कितना में है 47, एजी कितना में 47 में, और इसके मास 108। तो बता सकते हो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया सर 47, और जब यहां से करोगे सर न्यूट्रॉन कितना 108-47, तो 108-47 कितना आ गया 61। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। आज हमने बातें किया है एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास नंबर के ऊपर, एटम्स के ऊपर, एटम की क्लासिफिकेशन के ऊपर। हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे एटॉमिक मास। तो आज हम यहां तक रहने देते हैं, आज की क्लास यहां पर ही एंड करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, अगर हमने नए टॉपिक स्टार्ट किए तो ये लेक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे। इसमें आप छोटे छोटे धीरे धीरे लेक्चर को पढ़ते, छोटे छोटे लेक्चर को पढ़ेंगे आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगी, और आप धीरे 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 बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चले जाओगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।